हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेमरेश डॉट कॉम। ठीक है, और अब हम करने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट 3। इससे पहले एयर किया, वाटर किया और ये लैंड है। इसके बाद सॉइल करेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। और कुछ भी बहुत ही लाइटली मत लीजिए, एक एक चीज़, एक एक लाइन जो लिख रही हूँ और जो बोल रही हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लैंड चैप्टर की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 30% ऑफ लैंड एरिया इज देयर, यानी कि पूरे टोटल में से, ठीक है, जितना भी अपना अर्थ का एरिया है उसमें से जो लैंड जितना हमारे पास है वो 30% का लैंड है। ठीक है, 30% हमारे पास लैंड है। ओके, नेक्स्ट बोला है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो भी लैंड है, ठीक है, जो भी लैंड है और उस पर जो पॉपुलेशन है वो अनइवन है, यानी कि किसी एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी एरिया में कम पॉपुलेशन है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज देयर ऑन आर अर्थ सरफेस। ठीक है, और वो किस किस वजह से है। तो एक तो रग्ड टोपोग्राफी, इसका क्या मतलब है, जो आपकी मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह हो गई, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ लैंड हो गए, इस तरह से होता है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम ही रहती है। स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, यानी कि स्टीप स्लोप्स, देखिए एक तो ऐसे माउंटेन जो मैंने बनाया हुआ है, देखो एक तो नॉर्मल माउंटेन और एक ये माउंटेन जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, खड़ी पहाड़ी जिसे कहते हैं, खड़ी ढलान, ठीक है, खड़ी ढलान है ये। तो यहाँ पे ऐसे एरिया में रहना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे कम पॉपुलेशन होती है। उस पर डेजर्ट एरियाज जो आपके रेगिस्तान वाले इलाके हैं वहाँ पे नहीं होता। थिक फॉरेस्टेड एरियाज यानी कि घने जंगलों वाले एरियाज हैं, वहाँ पे भी पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लो पॉपुलेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि लो पॉपुलेशन इनमें से किसमें हम देख सकते हैं, किसमें लो पॉपुलेशन है, तो आपको पता है किसमें है। ठीक है, अब डेंसली पॉपुलेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो प्लेन एरिया जो उसमें मतलब प्लेन फ्लैट एरियाज जो हो गए, रिवर वैलीज हो गई है ना, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर मोस्टली जो एरियाज जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, ठीक है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने चीज़ खत्म करी। ओके राइट, अब बात करते हैं हम फटाफट से लैंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो ये लैंड लैंड इज ऑफ टू टाइप्स, यहीं से क्वेश्चन आया था, तो मैं भी आपको बताती हूँ लैंड कैसे टू टाइप्स के हैं। एक है प्राइवेट लैंड और एक है कम्युनिटी लैंड। ठीक है, अच्छा, प्राइवेट लैंड वो लैंड होते हैं जो इंडिविजुअल द्वारा ओन किए गए हैं, यानी कि मैं, मेरा कोई लैंड है, मेरी कोई जमीन है, ठीक है, वो प्राइवेट लैंड है, मैंने उसको ओन किया हुआ है। एक है कम्युनिटी लैंड, जिसको मैंने इंडिविजुअल कोई ओन नहीं करता है, वो स्टेट ने ओन किया हुआ है और वो पूरी कम्युनिटी के लिए यूज में आता है, तो यानी कि वो कॉमन रिसोर्स है। ठीक है, वो कॉमन तरीके से रिसोर्स है वो, और इसको हम कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से आया था, मैंने आपको बताया। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए, ये मैंने आपको बताया कम्युनिटी लैंड के बारे में, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं उसको, यहीं से क्वेश्चन आया था। अच्छा, अब ये बोल रहा है मेजर थ्रेट्स यानी कि डेंजर जो हमारे एनवायरनमेंट को है लैंड से रिलेटेड, वो देखिए लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड हमारा जो है वो बिल्कुल खराब हो रहा है। ठीक है, उस पे हम कुछ एग्रीकल्चर अपनी ये सब नहीं कर सकते हैं, तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा है। एक है लैंडस्लाइड, जो आपके मास मूवमेंट होता है रॉक डेब्रिस वगैरह का, ठीक है, डाउन द स्लोप, तो जब बहुत सारा इकट्ठा ये पत्थर वगैरह साथ में गिरते हैं तो उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे एनवायरनमेंट को बहुत खतरा है। ठीक है, सॉइल इरोजन, जो आपकी अपर लेयर है सॉइल की, वो पूरी उस वो जो है निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे नीचे लिखा हुआ है मृदा कटाव, यानी कि मिट्टी में कटाव, तो इस चीज की वजह से काफी ज्यादा जो हमारी सॉइल है उसमें फर्टिलिटी नहीं रहती, लैंड में फर्टिलिटी नहीं रहती है, यानी कि हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते हैं। और जब ऐसा होगा धीरे 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 करके, वो लैंड जो है एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक रेगिस्तान में कन्वर्ट होने लग जाएगा उस लैंड, वो लैंड, और वो डेजर्टिफिकेशन कहलाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, और ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे एनवायरमेंट को खतरा देती है। ओके राइट, अब ये चीजें आपको समझ में आई। तो ये चीजें बेसिकली मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक तो ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में मेंशन रहती हैं,
सेकेंड चीज, ये आपको किसी भी तरह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मेजर थ्रेट्स एनवायरनमेंट को क्या है, उसमें से तीन ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन ऐसा देगा क्या इसमें मतलब मेजर थ्रेट्स डेंजर मतलब एनवायरनमेंट में क्या नहीं है इनमें से, तो तीन ऑप्शन देगा जो डेंजर है, एक ऑप्शन देगा जो डेंजर नहीं है, तो वो टिक करना होगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेटली आते हैं, इसीलिए बता रही हूँ मैं आपको ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, लैंड यूज रिकॉर्ड्स, तो लैंड किस तरह से यूज हो रहा है, ठीक है, लैंड किस तरह से यूज में आ रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड कौन रखता है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लैंड यूज कैटेगरीज, यानी कि लैंड किन किन चीजों में यूज आता है, तो ये देखिए फॉरेस्ट में, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में यानी कि फॉरेस्ट वगैरह में आता है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर यानी कि बिल्डिंग्स ये सारी चीजें बनाई जाती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, उसमें लैंड का यूज आता है। लैंड का यूज सिर्फ एग्रीकल्चर में तो नहीं होता है ना, लैंड का यूज बहुत सी चीजों में होता है, तो उसके एग्रीकल्चर के अलावा जितने भी लैंड के यूजेस होते हैं। उसके बाद बैरन एंड वेस्ट लैंड्स, वो लैंड जो किसी भी तरह यूज में नहीं आ सकते, ठीक है, चाहे आप टेक्निक्स जो भी हमारे पास अवेलेबल टेक्निक्स हैं उनको हम कितना भी यूज उसमें हम वो कर ले, पर वो लैंड जो है वेस्ट हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं वो लैंड, ठीक है। उसके बाद है परमानेंट पेस्चर्स, कल्टरेबल वेस्ट लैंड, मैं आपको इन सब का मतलब भी बताऊंगी, मैंने आपको मेरे पास स्लाइड है जिसमें इनका मतलब लिखा हुआ है, लास्ट में मैं सब एक्सप्लेन करूंगी। करंट फेलो और नेट एरिया सोन, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसमें लैंड का यूज होता है, तो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी इन सब का मतलब, नीचे वालों का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मतलब जानना, क्योंकि चलिए आगे बढ़ेंगे तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लैंड रिसोर्स इज मोस्ट क्रूशियल टू लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, यानी कि जो हम जैसे लोग हैं उनकी जीवन के लिए लैंड रिसोर्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जिसपे एग्रीकल्चर डिपेंड रहता है। ऑब्वियसली बात है, लैंड नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो वही चीज है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये है, बोला गया है। और ये जो एग्रीकल्चर है यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी, जैसे कि अभी बताया कि अगर लैंड नहीं होगा तो ये आपका एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, तो एग्रीकल्चर इज प्योरली अ लैंड बेस्ड एक्टिविटी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टोटल परसेंट ऑफ लैंड ऑफ वर्ल्ड अंडर फॉरेस्ट, यानी कि पूरे हमारे संसार का कितना परसेंट लैंड है जो फॉरेस्ट के अंदर आता है, तो वो 31% है। ओके, लैंड केपेबल ऑफ बीइंग प्लोड एंड यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स, ऐसा लैंड जो जिसपे खेती बड़ी ये सब हो सकता है और हम क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं, ऐसे लैंड को क्या कहेंगे, ऐसे लैंड को कहेंगे एरेबल लैंड, लिख लीजिए एरेबल लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा लैंड जो छोड़ दिया गया है और जिसको हमने डिक्लेयर कर दिया है कि वो इस उस पे किसी भी प्रकार का कल्टीवेशन यानी कि खेती वगैरह नहीं हो सकती है, ऐसे लैंड को कहेंगे डेरेलिक्ट लैंड, लिख लीजिए डेरेलिक्ट लैंड, समझ आ गया आपको यहाँ तक बात। आगे देखिए, ये मैंने वही आपको स्लाइड्स दिखानी अब शुरू करी है, ये क्या बोल रहा है, बैरन एंड वेस्ट लैंड्स। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे लैंड पहले मैंने ये चीज बता दी है कि जो बिल्कुल वेस्ट हो गए हैं, इनका कोई काम नहीं है, तो पढ़ लेते हैं एक बार, द लैंड विच मे बी क्लासिफाइड एज अ वेस्ट लैंड सच एज बैरन हिली टेरेंस डेजर्ट लैंड रिवाइंस एक्सेट्रा नॉर्मली कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसे लैंड जो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, जो कोई यूज में नहीं आते हैं, जैसे कि डेजर्ट वगैरह हो गए, जैसे कि बैरन हिली टेरेंस हो गए, यानी कि जो आपके हिली हिली एरियाज में जो आपके लैंड हैं वो जो बिल्कुल बैरन है यानी कि उनपे कोई भी अब कल्टीवेशन नहीं हो सकता, तो उनको हम वेस्ट करार दे देते हैं, ठीक है, तो ये है बेसिकली बैरन एंड वेस्ट लैंड्स का मतलब। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के साथ, ये है एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। अच्छा, ये क्या है, तो मोस्ट देखिए, अब मैं आपको पहले ये बताती हूँ परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स क्या है, तो ऐसे लैंड्स जहां पर एनिमल्स ग्रेज करते हैं, ठीक है, ऐसे लैंड्स जहां पर, ये पैश्चर का मतलब होता है ऐसे लैंड्स जहां पर एनिमल्स हॉर्सेस शीप ये सब वगैरह इनका ग्रेजिंग चलता है, ठीक है, तो ऐसे इनको कहते हैं ग्रेजिंग लैंड्स।
तो क्या लिखा है कि ऐसे जो लैंड्स हैं इनको मोस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय द विलेज पंचायत। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि परमानेंट पैश्चर या ग्रेजिंग लैंड क्या होता है, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि इनको जो है ओन कौन करता है, तो इनको ओन करता है पंचायत ओन करती है या फिर गवर्नमेंट जो होती है वो ओन करती है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि बहुत ही कम पोर्शन होता है लैंड का जो प्राइवेटली ओन्ड है, यानी कि कोई बंदा है उसे ओन करता है। ठीक है, द लैंड ओन्ड बाय द विलेज पंचायत कम्स अंडर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द लैंड विच इज ओन्ड बाय द विलेज पंचायत कम्स अंडर वॉट, तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में आता है। जैसे कि मैंने कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बताया था, अभी बताया था कि कम्युनिटी लैंड है जिसको सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, जो ये लैंड है जिसको विलेज पंचायत ओन करती है वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में आता है। ठीक है, खत्म हो गई यहाँ पे बात, चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अभी नेक्स्ट आपको बोला है, अपना ये बोला है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अच्छा, ये क्या है? एनी लैंड विच इज लेफ्ट फेलो, यानी कि अनकल्टीवेटेड, ऐसा लैंड जो अनकल्टीवेटेड है, जिसको मतलब जिसपे कोई कल्टीवेशन अब नहीं हो रहा फॉर मोर देन 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल से ज्यादा हो गए पर उस पर कोई कल्टीवेशन अब नहीं हो रहा, वो इस कैटेगरी में आएगा। तो याद रखेंगे आप इस चीज को, इट कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन आफ्टर इम्प्रूविंग इट थ्रू द रेक्लेमेशन रेक्लेमेशन प्रैक्टिस, यानी कि इसको हम कल्टीवेशन में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं इम्प्रूव करने के बाद। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि ये जो आपका वेस्ट लैंड है, कौन सा कल्टरेबल वेस्ट लैंड है, इसको जो है छोड़ दिया जाता है, ये अनकल्टीवेटेड रहता है फॉर मोर देन 5 ईयर्स, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, जिसको मैं अभी दिखाती हूँ आपको, डिफरेंस समझ में आएगा। एक है करंट फेलो। करंट फेलो क्या है? ऐसा लैंड जिसको कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, वही चीज जो कल्टीवेशन मतलब अनकल्टीवेटेड है, इस पे कोई कल्टीवेशन नहीं है फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल तक, आप ये लगा लिए 1 साल तक इस पे कोई कल्टीवेशन नहीं होता है, बाद में होता है, बाद में इसको इम्प्रूव किया जाता है, तो जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करता है और तब जाके इस पे कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ईयर का है, जिसको क्या है करंट फेलो, अभी हमने पढ़ा था जो कि था कल्टरेबल वेस्ट लैंड जिसपे 5 साल से ज्यादा के लिए कोई कल्टिवेशन नहीं हो रहा था। अब एक और चीज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? फेलो अदर देन करंट फेलो, अभी हमने करंट फेलो पढ़ा, अब हम फेलो पढ़ रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ कल्टिवेबल लैंड, इसको भी कल्टिवेबल लैंड बोला है, विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, यानी कि इस पे भी कल्टिवेशन नहीं हो रहा है, लेकिन कब तक? फॉर मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज्यादा हो गया है और 5 साल से कम है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? तो 5 साल का कौन सा था? 5 साल का कौन सा था? कल्टरेबल वेस्ट लैंड था, जो 5 साल से ज्यादा हो गए थे तो उसपे कोई कल्टिवेशन नहीं हो रहा था, बाद में होगा पर 5 साल से ज्यादा तक नहीं हो रहा था। अभी जो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा वो था करंट फेलो, जिसमें 1 साल तक कोई कल्टिवेशन नहीं हुआ, और अब हम पढ़ रहे हैं फेलो जो बीच का है, 1 साल से ज्यादा पर 5 साल से कम। तो आपको चीजें यहाँ पे होपफुली समझ में आ गई होंगी। तो फेलो क्या है? अब है नेट सोन एरिया। तो ये नेट सोन एरिया क्या, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहां पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं लेकिन साल में सिर्फ वंस। ठीक है, यानी कि वंस इन अ ईयर यहाँ पर जो है क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं नेट एरिया सोन। अगर इसी जगह आपसे पूछा जाए कि ग्रॉस क्या होता है, तो वहां पे ये होता है कि टोटल एरिया जहां पे ये क्रॉप्स उगाए जाते हैं लेकिन साल में जो है एक से ज्यादा बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है। ठीक है, तो वो है ग्रॉस और ये है नेट, जहां पे साल में सिर्फ 1 बार आपको वहां पे एरिया में अपने क्रॉप्स को ग्रो करना होता है। चलिए, तो यहाँ पे ये चीजें खत्म होती हैं। अब 2-3 MCQ इंक्लूड कर रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा। चलिए ये देखिए, बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है हमने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं कि लैंड यूज कैटेगरी या फिर थ्रेट कौन सा है कौन सा नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस तरह से आ सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ी लैंड किस किस तरह से यूज हो सकता है, तो मैंने अभी आपको बताया किस किस तरह से यूज हो रहा है।
तो उसमें से अब बोले बताना है आपको कि कौन सा नहीं है। तो फेलो लैंड बिल्कुल पढ़ा है हमने, फेलो लैंड जो 1 साल से ज्यादा पर 5 साल से कम, तो वो फेलो लैंड हो गया। मार्जिनल एरिया तो पे अभी पॉज करेंगे, नेट एरिया सोन अभी पढ़ा है, और कल्टीवेबल वेस्ट लैंड यानी कि 5 साल से ज्यादा तक इसको हमने अनकल्टीवेटेड छोड़ दिया है। तो ये तीनों पढ़े हैं पर ये वाला नहीं पढ़ा मार्जिनल एरिया, तो इसका आंसर बिल्कुल यही होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ड्यू टू विच शेयर ऑफ फॉरेस्ट हैज शोन एन इंक्रीज इन द लास्ट 40 ईयर्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ जी, तो इसका मतलब है कि बीते हुए 40 सालों में जितना भी फॉरेस्ट का शेयर है, ठीक है, जितना भी हमारे पास फॉरेस्ट का शेयर है उसमें इंक्रीज हुआ है। तो इसका मेन रीजन क्या है, तो इसका मेन रीजन क्या है, अगर आप खुद ही सोच के बताइए। एक्सटेंसिव एंड एफिशिएंट एफर्ट्स ऑफ एफॉरेस्टेशन, यानी कि लोगों ने पेड़ पौधे उगाए हैं, इस वजह से फॉरेस्ट का शेयर इंक्रीज हुआ है। तो भाई फॉरेस्ट का शेयर इंक्रीज होने का ये रीजन ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये रीजन। एफॉरेस्टेशन, लोगों ने पेड़ उगाए हैं तो फॉरेस्ट बढ़ा है। तो लेकिन फॉरेस्ट बढ़ने के लिए, पेड़ उगाने के लिए हमारे पास लैंड होना ज़रूरी है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो पूरा लैंड इतना था, तो ये जो इतना हो गया है वो किस वजह से हुआ है, तो हमें ये देखना है। उसके बाद इंक्रीज इन कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड इसका इतना सही आंसर नहीं है जितना ये है। इंक्रीज इन नोटिफाइड एरिया लोकेटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ, यानी कि फॉरेस्ट ग्रोथ, यानी कि फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए जो भी एरिया था, जो भी एरिया नोटिफाइड था उसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उसमें इंक्रीज हुआ है। तो इसीलिए जो हमारे पास शेयर है ये फॉरेस्ट का वो इंक्रीज हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन इन इरिगेटेड एरियाज, यानी कि क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी एक ऐसे लैंड है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी दिया, हम जब पानी देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंचाई करते हैं जब हम, तो हमारे अच्छे से क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, ठीक है। अभी जब बहुत ज़्यादा हम इसको पानी देने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा जब इरिगेशन एक्सेस में हो जाता है, तो उस समय डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो वो किस फॉर्म में होता है, यानी कि क्या ऐसा हो जाता है कि डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये आपका जो सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा सेलाइन, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, ठीक है। सोडियम जो आपका सॉल्ट है इसकी मात्रा ज़्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से ये सॉइल का क्या हो जाता है, सेलाइनाइजेशन हो जाता है, ठीक है, यानी कि सोडियम इसमें आ जाता है, तो इस वजह से डिग्रेडेशन होने लग जाता है। तो ये इसका एक रीजन हुआ। लास्ट एक और चीज कर लेते हैं, यहाँ पूछा है व्हाट इज ड्राई लैंड फार्मिंग, तो आप नाम से ही समझ रहे हैं ड्राई लैंड। तो इसमें क्या होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू द रीजन्स हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर, ऐसा एरिया जहाँ पे रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग है। इसके ही ऑपोजिट आएगा वेट लैंड, जहाँ पे जो रेनफॉल है वो ज्यादा मात्रा में होती है, वो वेट लैंड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ के जो क्रॉप्स हैं इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे ये हो गया आपका एक बाजरा हो गया, मूंग हो गया, ग्राम हो गया, और ये आपका रागी हो गया, ठीक है। तो ये आपका ड्राई लैंड के क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन वेट लैंड, तो अभी बताया ड्राई लैंड और वेट लैंड, तो ड्राई लैंड की क्रॉप्स ये हैं, वेट लैंड की कौन से है, राइस है, जूट है, शुगर केन है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वेट लैंड एरिया की क्रॉप्स नहीं है, तो तीन ऑप्शन आपको ये दे दिया जाएगा। एक इसमें से मान लो मूंग दे दिया गया, तो आपको मूंग मार्क करना होगा। तो यहाँ चीजें हमारी खत्म होती हैं, होपफुली आपको चीजें सारी समझ में आई होंगी। बाकी लास्ट में हम सीरीज जरूर चलाएंगे जहाँ पे हम अपना सारा एमसीक्यू और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फिनिश कर देंगे, एक फिनिशिंग देनी बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। तो चलिए मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करती हूँ जो कि सॉइल की होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए, गुड बाय।